बल्लाल ने उसी प्रकार शांति पूर्वक बैठे रह कर कहा, जननी, सांसारिक माता पिता तो अनित्य हैं। यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ले ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधयुक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारा उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृतांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महान वन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर भगवान गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वपन उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वपन तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। काल की गति विचित्र होती है। मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराता है, और प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सदगति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा के कोई पुत्र या परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया। और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपनी सूंड जिसके कंठ में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञा अनुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्न माला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्म पूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जन समूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुक कर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघकर देखकर
कुछ ठहर कर अंत में उसने उसके गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर बैठा लिया अपने ऊपर। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उनका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुदुम्बी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को ग्वादी के दान दिए। हे महाराज, दक्ष का विवाह वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके वृद्धभानु नामक एक पुत्र हुआ, जिसने सुख पूर्वक उस राज्य को भोगा। वृद्धभानु का पुत्र खड़गधर हुआ। खड़गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने निवेदन किया, प्रभु मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसके रुक्मांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मांगद अपने पैतृक राज्य पद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया कि ब्रह्मन, फिर रुक्मांगद भी गणेश जी का भक्त हुआ या नहीं। राजा रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति भगवान गणेश की कृपा से ही प्राप्त हुई। रुक्मांगद की संकट से निवृत्ति, व्यास जी बोले, प्रभु उसे किसी प्रकार से संकट की प्राप्ति और निवृत्ति हुई सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरानंद ने कहना आरंभ किया, हे व्यास जी, राजा रुक्मानंद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया और शिकार ना मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक नवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहां ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी हैं और मेरे लिए माता के समान हैं, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कोड़ी हो जाएगा। राजा उसी समय कौड़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई, अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं। ऐसा निश्चय कर वह एक व्रत वृक्ष के नीचे बैठकर प्रायोपवेशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विपायन, उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते हुए देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजन ने उन्हें सब बातें बताई तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और वे बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है, उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके उपदेशानुसार चिंतामणि नगर पहुँचे और उन्होंने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोग हो गए
तब उन्होंने वहां गणेश्वर का भक्ति भाव पूर्वक षोडशो उपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उनके पास गणेश दूत आकर बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उनका पुण्य अपने माता पिता के अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले सकते हो। राजा ने दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान आदि पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।